हाँ भाई, आ गया स्वाद। देख लिए लुक्स रेड कलर में, जो लोग बेकार कह रहे थे उनको आ गया स्वाद। अब भी नहीं आया है तो वेट कर लो लॉन्च डेट तक, तब आ जाएगा। भाई बॉस से यूट्यूबर्स ने कहा था बेकार लुक ये वो। मैंने पहले कहा था कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। देख लो, अब भी नहीं आया है स्वाद, तो लॉन्च डेट आने वाली है, तब तक वेट कर लो। तो स्वाद गया, आग लग जाएगी। हेलो XUV700। एक बार फिर से कंफर्टेबल होना पड़ा। तो भाई मैंने क्या कहा था कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप में से बहुत लोगों ने मुझे हेट दिया था उस बात पे, कहा था भाई बेकार हो गई गाड़ी, बेकार लग रही है। मैंने कहा था ब्राउन कलर है, वेट कर लेते हैं, बेकार तो उसमें लगी रही थी, वेट कर लेते हैं। बट हेट भी मिला, बट चलो कोई नहीं। तो भाई रेड कलर में गाड़ी हमारे पास आ गई है और लग रही है बवाल। रेड कलर में बवाल लग रही है, और रेड कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और मुझे उस कलर में ये गाड़ी लग रही है बवाल। तो भाई हिंडाए वंडाए तो सब गिर गए यार, वहाँ गिरे पड़े। तो अभी हुआ क्या था, मैं बाहर था, बाज़ार गया हुआ था, और मेरा फ़ोन जो है वो बस ब्लास्ट हो गया मैसेजेस यूट्यूब पर, कमेंट्स वगैरह कि भाई रेड कलर में गाड़ी आ गई है, आप कहाँ पर हो। तो मैंने देखा, तो मैं दूसरी वीडियो पे काम कर रहा था, तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी था। तो भाई देखा तो मैंने कहा पता नहीं अब क्या रिवील हुआ है, बट आग लगा दी। और फेवरेट कलर जो मेरा ब्लैक है, उसमें तो यार मज़ा जो है तबाही मचने वाली है। अब भाई एक ही चीज़ की बात है यहाँ पे, एक ही चीज़ रह गई है। देखो लॉन्च डेट तो अपनी जगह है, लॉन्च तो हो ही जाएगी गाड़ी, लॉन्च तो होने के लिए बनी है, लेकिन एक चीज़ रह गई है, वो है इसका प्राइस। अभी भी बस एक चीज़ खटक रही है, प्राइस। यार बहुत ज़्यादा बढ़िया लुक है। अगर देखो 20 वाली रेंज में आती है ना, ये जो टाटा सफारी आ जाती है, एल्कज़ार आ जाती है, लुक्स के हिसाब से देखो रियर की बात करता हूँ तो बीट कर दिया है रियर से हर एक गाड़ी को। एल्कज़ार की बात करता हूँ, रियल एल्कज़ार का बहुत ज़्यादा बेकार है, इसको कंपेयर करके देख लो, तगड़ा लुक है इसका। और कौन सी आती है, एम जी हेक्टर का तो लुक मेरे को बहुत बकवास लगता है पीछे से। देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों का नहीं पता, अच्छा भी लगता होगा, लेकिन इससे कंपेयर करोगे ना, ये तो बवाल लगा मुझे पीछे से। अब आ जाती है टाटा की सफारी, और ये टाटा की सफारी का भी बैक लुक से अच्छा मुझे लगा इसका लुक। बट यार एक चीज़ डिसअपॉइंट कर गई, वो है इसका फ्रंट लुक। देखो यार गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, इसकी हेडलाइट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, बट करा क्या है, इसको XUV500 से इंस्पायर्ड कर दिया है, जिसकी वजह से जो इसका फ्रंट लुक है वो XUV500 लग रहा है। मतलब जब मैंने वो रेड कलर की इमेजेस भी देखी थी, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि XUV700 है फ्रंट से, पूरी XUV500 लगी फ्रंट से। बट पीछे से बहुत ज़्यादा बढ़िया लुक है, साइड से तो मज़ा ही आ गया यार, एक्सीलेंट लुक में थी ये गाड़ी। और फ्रंट में यार अगर थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते मज़ा आ जाता यार, मतलब बस इतनी सी कमी रह गई। मतलब अगर मैं इस गाड़ी का डिज़ाइन रेट करूँगा ना, तो मैं 9.5 करूँगा, और वो 0.5 जो मिस हो गया ना, वो सिर्फ फ्रंट लुक की वजह से मिस हुआ। ऐसा नहीं है कि फ्रंट लुक बेकार है या कुछ और बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रंट लुक में सिर्फ एक दिक्कत आ गई कि वो XUV500 लग रही है। अब बात करता हूँ महिंद्रा के लोगो की। यार महिंद्रा का लोगो बहुत लोगों में कंट्रोवर्सी भी बहुत पहले हो गई थी कि भाई इसका बहुत बेकार लोगो लग रहा है जो नया वाला है। बट यार मेरे हिसाब से अगर पुराना वाला गोल वाला लोगो मिल जाता ना, वो अलग ही शान है यार महिंद्रा की। जो महिंद्रा का लोगो आता है ना, वो वाला, हमने भाई बचपन में बुलेरो में भी बैठे हैं हम, मतलब बहुत सारी गाड़ियों में बैठे हैं, स्कॉर्पियो में बैठे हैं, वो जो लोगो है ना यार, उससे बस एक प्यार सा था, और उसको जो हटा दिया बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार। मुझे वो वाला लोगो बिल्कुल पसंद नहीं आया, नया वाला अपनी बात करता हूँ तो। पुराना वाला लोगो बहुत ज़्यादा बेटर था, और मैं यही चाहता था। देखो एक इमेज शेयर करी है मैंने आप लोगों के साथ, जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें देखो कितना शानदार ये लोगो लग रहा है। देखो इसमें भी अच्छा लग रहा है, बट यार ओल्ड इज़ गोल्ड कहते हैं ना, बस जो पुराना लोगो था वो कंटिन्यू करना चाहिए था, लोगों को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी यार महिंद्रा को। हर गाड़ी में देखने को मिल जाता है यार, अब क्या कर सकते हैं, महिंद्रा है यार, बड़ी ब्रांड है, उसकी जैसी मर्ज़ी थी उसने लोगों को चेंज कर दिया यहाँ पे, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब भाई बात कर लेते हैं फ़ोटोशॉप के बारे में, जो इमेजेस को फ़ोटोशॉप करा गया था, किसने फ़ोटोशॉप करा था, क्यों करा था। काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई ये तो हिंडाई वालों का ही काम है, तो ये अभी तक पता नहीं भाई किसका काम है ये। हो सकता है कि कोई बड़ी कंपनी ने ऐसा करा हो कि उसको थोड़ा सा फ़ोटोशॉप कराओ, लेकिन जो काफ़ी लोगों ने मैंने नोटिस करा ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ोटोशॉप है,
बहुत ज़्यादा फोटोशॉप नहीं है यार, अगर आप चेक करोगे ना, एक ही चीज़ की कमी थी, वो था कलर। कलर ब्राउन बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था, और मुझे नहीं लगता कि ब्राउन कलर में XUV700 आनी चाहिए, क्योंकि वो बिक्री नहीं होगी। XUV700 अगर ब्राउन कलर में आती है तो एक तो रेड कलर बहुत शानदार लगा है, और इसका ब्लैक जो है वो तो अलग ही, मतलब जब पीछे की टेल लाइट जलेगी ना ब्लैक कलर में, आग होने वाली है भाई, आग लगने वाली है, और जलने की बदबू जो है अब आ चुकी है भाई, काफ़ी लोगों की बदबू आ रही है जलने की। शोरूम भी है पास में हमारे हिंडाई का, वहाँ से भी आ रही है। तो चलो यार मजाक को साइड में करते हैं, और जो फीचर्स हैं, फीचर्स की अगर बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा शानदार फीचर्स हैं। देखो कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसे कि अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वगैरह हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे फीचर्स हैं। अगर बात करता हूँ मैं रिडार सेंसर्स की, जो ADS के लिए काम करेंगे, इसके बारे में महिंद्रा ने अब तक कुछ भी रिवील नहीं करा है। बाकी जो मेन मेन फीचर्स थे वो रिवील कर दिए हैं महिंद्रा ने, ऐसा बिल्कुल भी रिवील नहीं करा है कि हमारी गाड़ी में ADS होने वाला है, लेन कीप असिस्ट होने वाला है, जो कि बहुत लोगों ने वायरल कर दिया था। बहुत लोग ये कह रहे थे, ना कि मैं यार, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ये बात बोली थी कि इसमें ADS आने वाला है, लेन कीप असिस्ट आने वाला है, जो मैंने अपनी वीडियो में बोल रखा था कि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, एक डिसेंट से प्राइस पॉइंट पर एक गाड़ी चाहिए। और महिंद्रा ने इस चीज़ को टीज़ भी नहीं करा यार, कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिला है कि उसने अपना जो लेन कीप असिस्ट हैं, जो इतने महंगे महंगे फीचर्स हैं, उसको कहीं पर भी कवर कराओ। तो मेरे हिसाब से बहुत शानदार प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आने वाली है। 16 लाख से अगर इसका बेस मॉडल रख दिया जाए, अगर फीचर्स भी थोड़े बहुत हटा दिए जाएं यार, मतलब मज़ा आ जाएगा 16 लाख में, तो मतलब बिक्री जो है ना टॉप लेवल पर चली जाएगी, कोई रोक नहीं सकता इसकी बिक्री होने में। और मेरे हिसाब से अगर बात करूँ तो मेरे हिसाब से इसमें अडेप्टिव, इसमें क्रूज़ कंट्रोल हमें देखने को मिल जाएगा, और जो लेन कीप असिस्ट वगैरह हैं वो इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे टॉप एंड वेरिएंट ही हो। क्योंकि हमें पता है यार एल्टुरस G4 का क्या हाल हुआ था, उसका भी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ऐसा नहीं है कि उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बुरा था, बट जो प्राइस पॉइंट पर वो चली गई थी वो बहुत बुरा था। बस अब इसी चीज़ का वेट है कि ये वाला भी प्राइस पॉइंट कहीं बहुत बुरा ना हो जाए, कहीं 30 लाख ना पहुंच जाए, जो कि मुझे लगता नहीं पहुंचेगा। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में फुल ठूस ठूस के फीचर भरना चाहते हो, ADS भरना चाहते हो, या आप लेन कीप असिस्ट भरना चाहते हो, तो उस चीज़ में आपको कोई भी नहीं रोक रहा है, उसका प्राइस पॉइंट भी हाई कर दो यार, कोई मतलब नहीं है। जो लेने वाले हैं वो उसको लेंगे भी, बट 16 लाख के बजट में, 16 से 20 लाख के बजट में एक बेस मॉडल यार ज़रूर से आ जाए तो भाई मैं भी ले सकता हूँ यार, अगर मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी गाड़ी। क्योंकि अभी SUV मैं भी लेने की सोच रहा हूँ, और अभी चल रहा है यार, अभी घर में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बारिश वगैरह का मौसम है, और हैचबैक बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है यहाँ पे। तो भाई ये था पूरा XUV700 के अराउंड, जो सब कुछ कवर हो रखा था, कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह कवर हो रखी थी, वो आज मेरे ख्याल से दी एंड पर आ गई है। इसके डिज़ाइन जो है वो दी एंड पर आ गया है। अभी भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि भाई इसका जो डिज़ाइन है वो हमें अभी पसंद नहीं आ रहा, तो भाई आप क्या चाहते हो, इससे क्या लोगे यार, बच्चे की जानवान लोगे क्या यार, इतना शानदार डिज़ाइन पीछे से बहुत शानदार है यार। तो भाई मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, तो चलो यार इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। होप करूँगा कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में।